हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज सीख नॉलेज में। क्या आप भी 7-8 घंटे सोने के बाद बार बार अलार्म की घंटी को स्नूज करते रहते हैं और आपको बिस्तर से उठने का मन नहीं करता? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सवेरे जल्दी उठने के कितने सारे फायदे हैं और कैसे आप सवेरे जल्दी ना उठने के परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। एक्साइटेड तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि हम सुबह जल्दी क्यों उठे और जल्दी उठने से हमारा क्या फायदा होगा। ऑथर ने इस सवाल का जवाब एक नहीं बल्कि 3 स्ट्रॉन्ग रीजन देकर दिया है। पहला रीजन है कि हम सभी को हैप्पीनेस एंड सक्सेस चाहिए, जो हम सब इक्वली डिजर्व करते हैं, पर उसे हासिल कितने लोग कर पाते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। मानो या ना मानो, इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके मॉर्निंग रूटीन से। दूसरा रीजन है कि हम में से कई लोग काफी थोड़े में ही खुश हो जाते हैं और पूरी जिंदगी उसी में निकाल देते हैं, जबकि वो इससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि कई लोगों की सोच काफी छोटी होती है, उन्हें लगता है कि वो इतना ही डिजर्व करते हैं, और इसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके मॉर्निंग रूटीन से। तीसरा रीजन है आपके मॉर्निंग की शुरुआत। अगर आपके मॉर्निंग की शुरुआत पॉजिटिव, फोकस्ड और प्रोडक्टिव होगी तो आपका पूरा दिन भी पॉजिटिव, फोकस्ड और प्रोडक्टिव होगा। ये आपको फील कराएगा कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। वहीं उसके उलट, अगर आपके मॉर्निंग की शुरुआत नेगेटिव, अनफोकस्ड और अनप्रोडक्टिव होगी तो आपका पूरा दिन भी वैसा ही होगा, और आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा जिससे आपको लगेगा कि आप कितना मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं। ऑथर के मुताबिक इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है कुछ स्टेप फॉलो करके। तो चलिए देखते हैं कैसे। इस बुक में ऑथर ने 5 स्टेप प्रोसेस के बारे में बताया है टू स्टॉप यू हिटिंग स्नूज एंड लूजिंग योर मॉर्निंग। स्टेप नंबर 1, सेट योर इंटेंशंस बिफोर बेड। बेड पे जाने के पहले हमारा माइंड पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो उसका असर हमारे स्लीप साइकिल पे होगा और हम कभी भी एनर्जी के साथ सवेरे उठ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल, आप सबने इस बात को तो जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कभी भी हमें अगली सुबह उठ के पिकनिक जाना होता है या फिर किसी फेस्टिवल का माहौल होता है तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं उसको लेके। अगर हम उस रात लेट भी सोए तो हम एग्जैक्टली उसी टाइम पे उठ जाते हैं जब हमें उठना होता है, क्योंकि हम सोने के पहले काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सोने से पहले अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट रखें, जिसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपके स्लीप पे। स्टेप नंबर 2, मूव योर अलार्म क्लॉक अक्रॉस द रूम। दूसरी बात, सोते वक्त अपने अलार्म को अपने आप से थोड़ा दूर रखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब अलार्म बजेगा तो उसे बंद करने के लिए आपको फिजिकली उठना पड़ेगा, जो आपकी बॉडी में एक मूवमेंट क्रिएट करेगा जो आपको नेचुरली हेल्प करेगा उठने में। और एक सर्वे से साबित भी हो चुका है कि आपके बेड से उठने और ना उठने के बीच का वक्त केवल 5 सेकेंड्स है। अगर आपने इसे ब्रेक कर दिया तो आपको सवेरे जल्दी उठने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। स्टेप नंबर 3, ब्रश योर टीथ। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, ये तो सब करते हैं सवेरे उठने के बाद। लेकिन ऑथर का कहना है कि आप तुरंत बेड से उठने के बाद अपना फेस धोएं और उसके बाद ब्रश करें, ये आपको पूरी तरह से जागने में हेल्प करेगा। स्टेप नंबर 4, ड्रिंक फुल ग्लास ऑफ वाटर। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उठने के बाद अपने बॉडी को हाइड्रेट करें, क्योंकि आप जब भी सो रहे होते हैं तब आपका बॉडी पूरे 6-7 घंटे बिना पानी का रहता है, जिसके कारण आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। स्टेप नंबर 5, गेट ड्रेस्ड और जंप इन द शावर। पहले आप अपना एक्सरसाइज ड्रेस पहने और कुछ हल्का फुल्का फिजिकल एक्सरसाइज करें, और फिर उसके बाद आप बात करें। ये दोनों एक्टिविटी आपके मॉर्निंग को ज़बरदस्त शुरुआत देंगी। इन 5 बेसिक एक्टिविटी के बाद ऑथर ने 6 लाइफ सेवर्स के बारे में ज़्यादा फोकस किया है इस बुक में। उनका कहना है कि ये लाइफ सेवर्स आपको अपना पूरा पोटेंशियल पाने में मदद करेंगे। चलिए देखते हैं कि वो 6 लाइफ सेवर क्या हैं। लाइफ सेवर का एस है साइलेंस। हम में से कितने लोग हैं जो थोड़ा टाइम निकाल के अपने माइंड को शांत रखते हैं और बिना कुछ कहे अपनी ज़िंदगी के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देते हैं? शायद बहुत ही कम। हमें रोज़ सवेरे कुछ टाइम निकाल के साइलेंस में जीना चाहिए, चाहे 2 मिनट ही क्यों ना हो। और आप इसे कर सकते हैं मेडिटेशन करके या फिर केवल साइलेंट में एक जगह बैठकर अपने ब्रीथिंग को ध्यान देकर। लाइफ सेवर का ए है अफर्मेशन। जिस तरह से हम में से कई लोग साइलेंस में टाइम स्पेंड नहीं करते, उसी तरह कई लोग अपने आप से बात भी नहीं करते। अब आप गलत मत समझना, हम लोग यूजुअली जब भी अपने आप से बात करते हैं तो नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही फोकस करते हैं,
लेकिन अफर्मेशन का मतलब है कि आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में अपने आप से बात करें, जैसे कि मैं इस साल अपनी इनकम XYZ से ABC तक बढ़ा दूंगा, मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखूंगा, मैं अपने फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखूंगा एक्स्ट्रा। लाइफ सेवर्स का वी है विजुअलाइजेशन। जिस तरह से अफर्मेशन में आप अपने आप से पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे, विजुअलाइजेशन में आपको केवल उन पॉजिटिव चीज़ों के पिक्चर अपने माइंड में बनाना है और उसे प्रेजेंट में रह के विजुलाइज करना है। जैसे कि मैंने अपने इनकम को XYZ से ABC में बढ़ा दिया है, मैंने अपने हेल्थ का लगातार ध्यान दिया है, मैंने लगातार अपने फैमिली के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखा है। लाइफ सेवर्स का ई है एक्सरसाइज। लोग कहते हैं कि फिट रहने के लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका टारगेट हैवी मसल्स बनाने का है तो आप बेशक जिम जाएं, लेकिन आपका टारगेट केवल फिट और एक्टिव रहना है तो आप उसे डेली 10 से 15 मिनट देकर भी अचीव कर सकते हैं। और डेली एक्सरसाइज का पॉजिटिव इफेक्ट ना केवल आपकी बॉडी पे होगा बल्कि आपके माइंडसेट पे भी होगा। आप अपने सहूलियत के हिसाब से कोई भी इंटायर बॉडी मूवमेंट वाला एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं। कुछ का नाम लूँ तो पुशअप्स, बर्पी, रनिंग एंड पुलअप्स, ये कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसके लिए किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर रिसर्च कर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। लाइफ सेवर्स का आर है रीडिंग। ब्रायन ट्रेसी ने कहा है कि कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू गेट सक्सेस इन ईच एरिया ऑफ योर लाइफ, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर आपको किसी भी स्किल के बारे में जानना है तो आप उस स्किल के बारे में उसके रिलेटेड बुक को पढ़कर जान सकते हैं और अपने लाइफ में अडेप्ट कर सकते हैं। रीडिंग करना ना केवल पेज पलटना है बल्कि किसी ऑथर के 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस और नॉलेज के बारे में जानना है कुछ दिनों में, जो अगर आप खुद से करने जाएं तो ना जाने कितना वक्त लग जाएगा। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है तो लर्निंग को कभी भी बंद ना करें अपने लाइफ में। ये चैनल भी कंटिन्यूस लर्निंग के इम्पोर्टेंस पे बेस है। लाइफ सेवर का एस है स्क्राइबिंग। आप जो भी कुछ अफर्म करते हैं, विजुअलाइज करते हैं या फिर सीखते हैं रीडिंग करने के बाद, आपको उन सभी को स्क्राइब करने की आदत डालनी चाहिए अपने लाइफ में। ऐसा करने से आप इंटेंजिबल थॉट्स और चीज़ों को टेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप इन 6 लाइफ सेवर्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। शुरू में आप हर एक लाइफ सेवर्स पे 1 से 2 मिनट देके इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 घंटे देना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, आप उसके हिसाब से टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपसे ये सारी बातें शेयर की हैं फ्रॉम बुक द मॉर्निंग मिराकल, जिसके ऑथर हैं हेल एलरॉड। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इन सभी हैबिट को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और थोड़ा कुछ ऑथर के बारे में भी। तो अगली वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि वो आपसे मिस ना हो, और इसी तरह की वीडियो को फ्यूचर में भी देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑलवेज सीक नॉलेज को। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पे। अंटिल देन, कीप लर्निंग।